अपने डूबते और डामाडोल करियर की बागडोर रानी चटर्जी ने पवन सिंह के हाथों दे दी है। जी हां, पवन सिंह वही पवन सिंह हैं जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री की नई से नई बड़ी से बड़ी कई हीरोइनों के करियर को बूस्टअप दिया है और अब लग गए हैं पवन सिंह रानी चटर्जी के करियर को बूस्टअप देने में। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ये हमारा पूरा वीडियो देखिए और आपको खुद ब खुद यकीन हो जाएगा कि हमारी बातों में कितनी सच्चाई है। वैसे भी हर हीरोइन का जमाना आता है और जाता है, उसमें कोई नई बात नहीं होती है। एक सर्टेन एज तक ही हीरोइन लोगों के दिलों में बसी रहती है और फिर दूसरी हीरोइन उसकी जगह ले लेती है। वैसे भी ये जग की रीत है। कभी वो दौर भी था जब रानी चटर्जी भोजपुरिया दिलों की धड़कन हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे ही नई अभिनेत्रियों ने उनकी जगह ले ली। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में रानी चटर्जी के पास तो काम थे, लेकिन उतना नहीं जितना पहले हुआ करते थे। डायरेक्टरों के नाम तो थे पर उम्दे वाले नहीं। ज्यादातर रानी चटर्जी को अप्रोच करने में नए नवेले डायरेक्टरों का सबसे ज्यादा हाथ था। खैर, ये सारी बातों को छोड़ हम आपको बताते हैं कि हम आपको यूनिक क्या बताने वाले हैं। हम आपको यूनिक ये बताने वाले हैं कि आपको अगर याद होगा पिछले साल 2018 में पवन सिंह की एक साथ चार मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था और उन चारों फिल्मों में से एक फिल्म थी शपथ। आपको हम यहाँ ये बता दें कि फिल्म शपथ में पवन सिंह के अपोजिट रानी चटर्जी दिखेंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रानी चटर्जी को कभी भी इस फिल्म में अप्रोच नहीं करना चाहते थे, या यूं कह लें कि पवन सिंह के अपोजिट वो कोई नया चेहरा उतारना चाहते थे। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने उनको सजन चुलनिया में काजल राघवानी है और क्रैक फाइटर में संचिता बैनर्जी, तो उसी तरह फिल्म शपथ में भी वो एक ट्रेंडिंग चेहरा या फिर कोई नया चेहरा हीरोइन के रूप में पवन सिंह के अपोजिट इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर चाहते थे। लेकिन वो भोजपुरी इंडस्ट्री में कहते हैं ना, हीरो अगर किसी को भी रेकमेंड कर दे अपने अपोजिट काम करने के लिए तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की हिम्मत नहीं होती कि वो उस हीरोइन के बजाय किसी और हीरोइन के साथ काम कर ले। भाई ये तो ठहरे पवन सिंह। पवन सिंह पावर स्टार है और जिस भी हीरोइन पर अपना हाथ रख देते हैं भाई उनकी तो किस्मत ही बदल जाती है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का भले ही मन न हो कि इस फिल्म में रानी चटर्जी के बजाय किसी और को लिया जाए, लेकिन वो मन दबा कर बैठ गए और रानी चटर्जी को इस फिल्म की हीरोइन तय कर दिया गया। अब फिल्म क्रैक फाइटर की शूटिंग जैसे ही खत्म होगी, फिल्म शपथ की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और पूरे 5 साल बाद आप फिर से रुपहले पर्दे पर रानी चटर्जी और पवन सिंह के रोमांस को देख सकेंगे। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। कभी किसी जमाने में पवन सिंह और रानी चटर्जी के बीच इलू इलू था, यानी कि इन दोनों में लव अफेयर था। ये लव अफेयर पवन सिंह के कमिटमेंट की वजह से ही टूट गया, या यूं कह ले कि वो जो ज्यादातर हीरोइनों के साथ होता आता है पवन सिंह के साथ, वही हुआ रानी चटर्जी के साथ। पवन और रानी की राहें जुदा हो गई। पवन सिंह अपने बिजी शेड्यूल में मगन हो गए और रानी चटर्जी अपनी फिल्मों में। फिर इनका आमना सामना होता तो रहा, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह निरहुआ की पार्टी में हुआ है। पवन सिंह के साथ साए की तरह रानी चटर्जी इस पार्टी में रही। जिस तरह कभी किसी पार्टी में अक्षरा पवन सिंह के साथ रहा करती, भाई ये तो फिल्म इंडस्ट्री है। जिस तरह से हर फ्राइडे को नई फिल्म आकर आपके सिनेमाई पर्दे पर दस्तक देती है, उसी तरह से नई लव स्टोरी आके आपके फिल्म स्टार के जीवन में दस्तक देती है। ऐसे ही चटपटी और मसालेदार गॉसिप के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।